हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नक्सु क्रिएशन में। आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे। आप देख सकते हैं आलू के पराठे कितने टेस्टी लग रहे हैं। ये दिखने में जितने टेस्टी, खाने में भी उतने ही टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू के पराठे बनाना है। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा लिया है। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने ली है थोड़ी सी अजवाइन, 1 छोटे चम्मच के करीब, और इसको हमने हाथ से ही क्रश कर लिया है इस तरीके से। और इसको हम क्रश करने के बाद उसके चारों तरफ डाल देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच तेल, आप अपने हिसाब से, अपनी चम्मच के हिसाब से मेज़र करके डाल लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से डाल दिया था यहाँ पे तेल। और यहाँ पर हम आटे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तेल में अपने हाथों से। आप देखिएगा इसमें कोई गुठली ना रहने पाए तेल डालने की वजह से। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लीजिएगा। और आटे को तेल में मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे पानी डाल के आटा लगा लेंगे। आटा लगाने के बाद हम उसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे जब तक हमारी स्टफिंग तैयार होगी। तो यहाँ पे हमारा आटा लग के तैयार है, अब हम इसे ढक के रख देंगे। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट और बारीक कटा हुआ धनिया, धनिया पाउडर, छोटा चम्मच हल्दी, छोटा चम्मच लाल मिर्च और नमक। और यहाँ पे हमने लिया है उबला हुआ आलू मैश किया हुआ। और तड़के के लिए हमें चाहिए होगा जीरा और सरसों का मिक्सचर। यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा और सरसों का मिक्सचर तड़कने के लिए। और जब ये तड़कने लग जाएगा इसके बाद हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज और इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। प्याज को हम यहाँ पे हल्का ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे लहसुन का पेस्ट। आप यहाँ पे अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं यूज़ किया है। और जो हमारे सूखे मसाले थे वो हम सारे यहाँ पे डाल देंगे एक साथ और उसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। सूखे मसालों को हम तकरीबन 30 सेकेंड तक भूनेंगे इसमें। मसालों को भूनने के बाद हम यहाँ पे हमारा उबला हुआ आलू जो कि मेश किया हुआ रखा था वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो सब इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसे हमने करीबन 2 मिनट तक पकाया था मिक्स करते हुए, तो आप भी इसे अच्छे से पकाइएगा 2 मिनट तक। और लास्ट में मैंने यहाँ पे डाला था गरम मसाला, आप कोई सा भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं इसमें, चाहे तो मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं आप। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ धनिया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला और धनिया डालने के बाद मैंने इसे करीबन 1 मिनट तक और पकाया था। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार है बनके। स्टफिंग तैयार होने के बाद हम आटे को ले लेंगे वापस से और इसे एक बार दोबारा से गूंद लेंगे। और पराठे बनाने के लिए हम मीडियम साइज़ की लोई लेंगे, हमें ना ज़्यादा बड़ी लोई लेनी है और ना ज़्यादा छोटी, बिल्कुल मीडियम साइज़ की लेंगे हम। और उसे गोल गोल करके हम लोई जितना कर लेंगे। इसके बाद उसमें आटे का पलथन लगा के हमें इस तरीके से बड़ा करना है उसको घुमा के, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बीच में आपको अंगूठा लगाना है अपना और उसको चारों तरफ से घुमाना है। आपको इतना बड़ा करना है उसको कि आपकी एक कटोरी बन जाए, उससे बाउल बन जाए जिसमें आप स्टफिंग भर सके। आप देख सकते हैं इतनी छोटी साइज़ की आपको बनानी है हाथ से ही। और इसमें हम स्टफिंग भर देंगे, मैंने 1 चम्मच के करीबन स्टफिंग भरी थी इसमें। आपको स्टफिंग ज़्यादा भी नहीं भरनी है और कम भी नहीं भरनी है, अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा भरेंगे तो आपके पराठे फट सकते हैं बेलते टाइम। और इसको हम चारों तरफ से राउंड करके इस तरीके से पेक कर देंगे उसे अच्छे तरीके से लोई बना के। इसे हम पलथन में लगा के बेलना स्टार्ट करेंगे। आलू के पराठे बनाने का जो मेन काम होता है वो बेलना ही होता है, क्योंकि अगर आपने बेलते टाइम अगर आपके पराठे फट गए तो फिर वो उतने अच्छे से नहीं सिकेंगे। तो आप ट्राई करिए कि आपके पराठे जो हैं अच्छे से बेलें, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलिएगा, ज़्यादा फोर्स मत करिएगा उस पे, आटे पे, अदरवाइज़ आपके पराठे जो हैं वो फट सकते हैं।
और अगर आपसे फिर भी ना बने तो आप एक काम करिएगा, जिस तरीके से मैंने साइड साइड में बेला है, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं साइड साइड से बेलूंगी, क्योंकि साइड साइड में कई बार मोटा रह जाता है आटा हमारा, तो इसे हमें साइड साइड से उसे हल्के हाथों से प्रेस करना है। और यहाँ पे मैंने तवा गरम करके रख दिया था तेल लगा के। एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ आपको कैसे बेलना है पराठों को। लोई बना के आपको इस तरीके से उसको दोनों हाथों से पलथन लगा के घुमाना है और फिर इसमें स्टफिंग भर के उसे बेल देना है। यहाँ पर हमारा एक साइड का पराठा सिक चुका है, अब हम इसे पलटा लेंगे, दूसरे साइड भी सेक लेंगे हम इसे तेल लगा के। आप देख सकते हैं पराठा देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। इसे हम चारों तरफ तेल से ग्रीस कर लेंगे चम्मच से। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है पराठे का। यहाँ पे हमारा पराठा बन के तैयार है। आप इसे चाहे तो चटनी के साथ या दही के साथ, जो आपके घर में अवेलेबल हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।